राजनीति का एक स्वभाव होता है, अक्सर राजनीतिज्ञ अपने विरोधी दलों के कार्यकलापों पर, वहां के प्रमुख नेताओं की हरकतों पर नजरें रखे हुए होते हैं। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी अपनी ही पार्टी में हो तो उसकी भी तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। विधानसभा में अगर कोई आपका प्रतिद्वंदी है तो उसको कैसे विधानसभा में पहुंचने से रोका जाए, इसकी भी रणनीति बनाई जाती है। राजनीतिज्ञ अपने लिए सुरक्षित ठिकाना भी तलाशते हैं। उनको मालूम होता है कि कई सूरमा विधानसभा या लोकसभा चुनाव में चित्त हो जाते हैं। ऐसे में अगर कहीं पर सुरक्षित जमीन मिल रही होती है तो वहां से चुनाव लड़ने की तमाम नेताओं की इच्छा होती है। सुरक्षित सीट कौन सी है, इसका आकलन तो परिणाम आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा नेताओं को हो जाता है, जिस कारण कई सुरक्षित सीटों पर नेताओं की नजरें आकर जम जाती है। हम आज यहां पर एक ऐसी विधानसभा सीट को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिस सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के दो प्रभावशाली नेता एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनगर विधानसभा सीट को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने तो की ही है, साथ में दिल्ली के कई प्रभावशाली नेताओं ने भी दोनों नेताओं की बैठक कराई है। नतीजा सामने नहीं आया और वो नतीजा टिकटों के बंटवारे में भी दिखाई दिया, जब रामनगर और सल्ट विधानसभा की सीट को खाली छोड़ दिया गया। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विधानसभा के चुनाव हो, टिकटों का बंटवारा हो और नेताओं के बीच में घमासान ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। आमतौर पर टिकटों के बंटवारे के बाद घमासान होता है, लेकिन कई सीटें ऐसी होती हैं जहां पर बंटवारे से पहले दो नेताओं का घमासान सड़क पर दिखाई दे जाता है। एक ऐसी ही घटना, एक ऐसी ही विधानसभा सीट और दो नेताओं की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। दोनों नेता उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बीच में रामनगर विधानसभा सीट फंस गई है। सबसे पहले मैं आपको रणजीत रावत के बारे में बताता हूं। रणजीत रावत 2002 और 2007 में विधायक चुनकर पहुंचे विधानसभा में सल्ट विधानसभा से। 2012 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ और सल्ट विधानसभा का कुछ हिस्सा इधर उधर हो गया और कुछ दूसरी विधानसभाओं का हिस्सा सल्ट में आके मिल गया। 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रणजीत रावत चुनाव हार गए। रणजीत रावत की ही सहयोगी थी उस समय अमृता रावत, वो रामनगर विधानसभा सीट से बड़े अंतर से चुनाव जीत गई। इसके बाद रणजीत रावत ने जब आकलन किया तो अपने आकलन के हिसाब से उन्होंने भविष्य के लिए रामनगर सीट पर तैयारियां शुरू की। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और रणजीत रावत रामनगर विधानसभा सीट पर सक्रियता दिखा रहे थे। इस बीच सतपाल महाराज और उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और रामनगर सीट एक तरीके से कांग्रेस के लिए खाली हो गई, या ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उस सीट पर अपना दावा ठोकता उससे पहले अपने राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश रणजीत रावत ने रामनगर में की। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव रणजीत रावत भी बड़े अंतर से हार गए रामनगर से ही, यानी कि दो विधानसभा चुनाव 2002 का और 2007 का सल्ट से रणजीत रावत जीते, 2012 का विधानसभा चुनाव सल्ट से वो हारे और 2017 का विधानसभा चुनाव वो रामनगर क्षेत्र से हार गए। लेकिन 2017 से लेकर 2022 के बीच में रणजीत रावत के पास अपनी जमीन को फिर से तैयार करने का एक मौका था और उन्होंने रामनगर में इस पर काम भी किया। जब चुनाव नजदीक आने लगे तो सबको इस बात का अंदाजा था कि रणजीत रावत की सीट सुरक्षित है, लेकिन रणजीत रावत को क्या मालूम था कि उनकी सीट पर उनके ही पुराने सहयोगी और वर्तमान में प्रतिद्वंदी कांग्रेस के
चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी नजरें जमाए बैठे हैं। जब टिकटों का बंटवारा हुआ, पहली लिस्ट जारी हुई, तो रणजीत रावत को इस बात का घनघोर तरीके से एहसास हुआ कि आखिर उनकी सीट उनके हाथ से खिसक सकती है। हालांकि रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच में मध्यस्थता कराने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन रणजीत रावत भी रामनगर सीट पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच हरीश रावत ने भी पूरे पहाड़ भर का, पूरे मैदानी क्षेत्रों का दौरा करने के बाद रामनगर सीट पर ही चुनाव लड़ने की ठान ली है। हालांकि हरीश रावत के बारे में यह कहा जा रहा है कि हरीश रावत की जो जमीन है वो हरिद्वार ग्रामीण के साथ साथ कुमाऊं के कुछ और क्षेत्रों में भी हो सकती है, जहां पर कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं, हरीश रावत कोई भी विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं जीते हैं। पहली बार उन्होंने उत्तराखंड में विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था 2014 में, यानी 2012 को जो सामान्य इलेक्शन उत्तराखंड विधानसभा का हुआ था वो हरीश रावत नहीं लड़े थे। 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, वो धारचूला सीट थी पिथौरागढ़ की। 2017 में हरीश रावत दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा से और एक हरिद्वार जिले की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से। दोनों ही जगह से हरीश रावत चुनाव हार गए थे और हरीश रावत को इस बात का मलाल है, जो वो कई सार्वजनिक मंचों पर भी कहते हैं कि वो अपनी कोई विधानसभा तैयार नहीं कर पाए। विधानसभा तैयार करने का सीधा मतलब होता है जहां से एक नेता लगातार चुनाव लड़ता है या चुनाव जीतता आता है। ऐसी कोई सीट हरीश रावत ने तैयार नहीं की है, लेकिन रणजीत रावत ऐसा दावा करते हैं कि रामनगर में उन्होंने बेहतरीन काम किया है और रामनगर में उन्होंने अपनी खोई हुई जमीन तैयार कर ली है और अब जब फसल काटने की बारी आई है तो हरीश रावत भी मैदान में इसी सीट से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो घमासान तो होना ही था। बहरहाल एक और सीट है सल्ट, जहां पर रणजीत रावत पहले भी सक्रिय हुआ करते थे, वहां से वो टिकट मांग रहे थे अपने बेटे विक्रम सिंह रावत के लिए। तो पार्टी का एक धड़ा यह भी कह रहा है कि एक जमीन रणजीत रावत ने सल्ट में भी तैयार की हुई है और अगर रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं और सल्ट से रणजीत रावत चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। 2021 में एक विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, सुरेंद्र सिंह जीना के देहांत के बाद सल्ट विधानसभा सीट खाली हो गई थी। रणजीत रावत अपने बेटे के लिए 2021 के इस उपचुनाव में विक्रम सिंह रावत के लिए यहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन हरीश रावत ने यहां से गंगा पंचोली को टिकट दिया। इसके बाद खुलकर यह बात सामने आ गई थी कि रणजीत रावत भी दो टिकटों की दावेदारी 2022 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, लेकिन अब पार्टी ने एक परिवार से एक ही टिकट देने की जब नीति बनाई तो उसमें रणजीत रावत ने रामनगर क्षेत्र को अपना पहला पसंद बताया। लेकिन अब अगर हरीश रावत रामनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो रणजीत रावत के पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि इस तरीके के संकेत मिले हैं कि रणजीत रावत ने किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या रणजीत रावत को टिकट कांग्रेस रामनगर सीट से ही देगी, इस पर अब संशय बना हुआ है। सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब कांग्रेस के प्रभावशाली दिग्गज नेताओं के टिकट फाइनल नहीं हो रहे हैं तो आखिर कांग्रेस किस तरीके से विपक्षी खेमे में सेंध लगा पाएगी, और अगर दोनों नेताओं के बीच में तारतम्यता नहीं होगी, समन्वय नहीं होगा, तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और कैसे चुनाव जीता जाएगा। 2017 की हार को कांग्रेसी भूले नहीं है, इसलिए एक एक कदम फूक फूक कर रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कैसे हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच के द्वंद्व को कम किया जाता है, और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रामनगर सीट किसकी झोली में जाती है। वैसे हरीश रावत को रणजीत रावत का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। रणजीत रावत ने जो भी दावपेंच सीखे हैं उसमें हरीश रावत का भी बड़ा रोल है, लेकिन क्या हरीश रावत के तमाम दावपेंच रणजीत रावत सीखने में कामयाब रहे हैं, या गुरु ने अपने बहुत सारे दावपेंच अपने चेले को नहीं सिखाए हैं, यह देखना बाकी होगा। जिस समय रामनगर सीट से टिकट का ऐलान होगा उस समय पता चल जाएगा।
कि आखिर गुरु और चेले में से भारी कौन पड़ रहा है। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।